सियालकोट का मैदान, 25 रन के ऊपर 4 विकेट इंडिया के गिर चुके थे। तभी एक 15.5 साल का नौजवान पवेलियन से आता है, छोटी हाइट और उसका सामना खूंखार बॉलरों से। वसीम अकरम, इमरान खान, स्टार्क, वकार यूनिस, ऐसे खतरनाक लोगों से जब मुकाबला होता है तब बड़े बड़े दिग्गज अपना विकेट गिराकर पवेलियन में आराम से जाकर बैठ चुके थे। ये चाहता तो ये भी बैठ सकता था। पहले टेस्ट मैच में 0, दूसरे में 12 और तीसरे में ड्रॉप कर दिया गया। चौथा टेस्ट मैच में मौका मिला और ये छोटा सा 15.5 साल का लड़का उन भेड़ियों के सामने था। पहली बॉल आई, सीधा बाउंसर ऊपर से निकल गई। दूसरी बॉल आई, वो भी बाउंसर। इस बार वो बच्चा अपने आप को बचा ना सका। बॉल सीधा आकर नाक के ऊपर लगी और खून की धार बहने लगी। नाक टूट चुकी थी, सारे नाक से खून बह रहा था। टी शर्ट पर खून, पिच के ऊपर खून, पूरे स्टेडियम में खून ही खून। वो थराशाही होकर नीचे गिर गया। स्ट्रेचर बुलाई गई, स्ट्रेचर के उसको लेटाया गया। वो धक्का मारकर एक तरफ गिर गया। वो बोलता, उसके शब्द सुनने वाले थे, मैं खेलेगा, मैं अभी और खेलेगा, मेरे देश का सवाल है, मेरे देश की साख दांव पर लगी हुई है, मैं अभी और खेलेगा। नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा धुआंधार बल्ले था, जो पाकिस्तानियों के बॉलरों के वार को बड़ी ही मुश्किल से झेल पा रहा था। उसने सचिन को सहला दी, जा चला जा, फिर आ जाना, फिर कभी खेलेंगे। उसने कहा, नहीं शरीफा जी, मैं अभी और खेलेगा, मैं खेल के दिखाएगा। और उस दिन वो इंसान 120 रनों की नॉट आउट शतकीय पारी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खेली। और उस दिन के बाद से वो इंसान इंसान ना रहा, क्रिकेट की दुनिया का एक भगवान बन चुका था। मुसीबतें उसके पास भी आई, मुसीबतों से वो भी जूझा। कभी मैच से निकाल दिया जाता, कभी 0 पर आउट हो जाता, पर उसने हौसला नहीं छोड़ा। आप भी मार्केट में उतरते हो तो आपको आसानी से वॉकओवर नहीं मिल जाता। मार्केट के कॉम्पिटिटर आपको खा जाने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर कोशिश करेंगे कि आप गिर जाओ, आप बर्बाद हो जाओ। पर आपके अंदर हिम्मत चाहिए तो उस सचिन के जैसे, उस छोटे से कद के 15.5 साल के बच्चे के जैसा जिगरा चाहिए। तब कहीं जाकर ये ज़िंदगी आसान होगी, तब कहीं जाकर ये ज़िंदगी आपको वो पुरस्कार देगी, वो महानता के शिखर तक आपको पहुंचाएगी, जब आप उन मुसीबतों से लड़ोगे, उन मुसीबतों का सामना करोगे। उम्मीद है आपको ये कहानी थोड़ा सा जोश भरेगी। अपने अंदर जोश लाइए, मोटिवेट होइए और कुछ करके दिखाइए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।